इजराइल पर ओशो की 40 साल पुरानी भविष्यवाणी। संकट में भारत का जिगरी यार इजराइल। ओशो ने बताया था इजराइल का भविष्य। अब आगे इजराइल का क्या होना है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 75 वर्ष की उम्र में इजराइल के लिए शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जब उसने खुद के अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं किया होगा। 1948 के बाद से यहूदियों के इस देश को कई दफा खत्म करने की कोशिशें हुई। कितनी ही लड़ाइयों में फिलिस्तीन के साथ दुनिया के खाड़ी देश खड़े नजर आए, और न सिर्फ फिलिस्तीन बल्कि इस्लामिक देशों के गुट ने इजराइल पर कई बार हमले किए हैं। और इसी कड़ी में दो हफ्ते पहले हमास के हमले ने एक ऐसी जंग का बिगुल फूका जिसका अंजाम अब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ जाएगा। देखा जाए तो देखिए, इस वक्त हमास के हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग और कितने दिनों तक चलेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से हमास ने एक साथ कई हजार रॉकेट दागे उसका बदला इजराइल गाजा पट्टी को तबाह करके ले रहा है। हालांकि सच ये भी है कि जंग कोई भी हो दोनों ही पक्षों की कुर्बानी मांगती है, और आज अगर गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है तो वहीं इजराइल का भी कम नुकसान नहीं हुआ है। इस जंग में ना सिर्फ इजरायली लोगों की मौतें हुई हैं बल्कि मुल्क की अर्थव्यवस्था भी डगमगाने लगी है। आज के डेट में देखिए, इजराइल जिन हालातों से गुजर रहा है, आज जो कुछ भी इजराइल के साथ हो रहा है, इजराइल के लोगों के साथ हो रहा है या फिर इजराइल कर भी रहा है, उसका लेकर 40 साल पुरानी ओशो की भविष्यवाणी सत्य हो रही है। भारत के जिगरी दोस्त इजराइल को लेकर आध्यात्मिक गुरु ओशो ने जो कुछ भी कहा था, आज वही बातें अक्षरता सत्य हो रही है। क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में जन्मे चंद्रमोहन जैन, इस नाम को देखे शायद ही लोग जानते होंगे, लेकिन ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने अमेरिका में एक ऐसी मायावी दुनिया बसाई जिसमें विदेशियों की आस्था आज भी बसती है। आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश दुनिया को अध्यात्म से जोड़ने वाले एक ऐसे धर्म गुरु रहे जिनका जीवन हमेशा से सुर्खियों में भी रहा और काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी। अपने तार्किक रूप से इतने सशक्त थे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उन्हें सुनने के बाद उनका मुरीद हुए बिना रह नहीं पाता था। अमेरिका से इनका नाता ऐसा था कि अमेरिकियों के बीच इन्होंने अपनी एक निराली दुनिया ही बसा ली थी। अब देखा जाए तो देखिए, ओशो हमेशा से एक विवादित शख्सियत रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं बातें और भविष्यवाणियों को दुनिया ने कभी नजरअंदाज नहीं किया। तभी तो देखिए, आज युद्ध की आग में जल रहे इजराइल को लेकर इनकी 40 साल पुरानी भविष्यवाणी एक बार फिर सोशल मीडिया में तो देखिए वायरल हो रही है। 40 साल पहले ओशो ने जो कुछ भी कहा, आज उसकी एक एक बात सत्य हो रही है। दरअसल एक इंटरव्यू में ओशो ने इजराइल का भविष्य बताते हुए ये सारी बातें कही थी। मैंने यहूदियों से कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन ने इजराइल में उन्हें जमीन का एक टुकड़ा देकर धोखा किया है, और ये धोखा सदी का सबसे बड़ा धोखा है। हालांकि यहूदी ये सोच रहे थे कि ये अच्छा हुआ है, लेकिन वो इस साजिश को समझ नहीं पाए, क्योंकि जो जमीन इजराइल को दी गई वो चारों तरफ से खून के प्यासे मुसलमानों से घिरी हुई है। तो ओशो की यही भविष्यवाणी इजराइल के मामले में अब सत्य हो रही है। ओशो ने देखे जो कहा, आज वही हो रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों में से कौन कितना सही है, ये तो देखिए आप तय कीजिएगा, लेकिन हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि इस्लाम की उत्पत्ति से पूर्व दुनिया के नक्शे पर मौजूद पहले का फिलिस्तीन पूरी तरह से यहूदी बहुल था। ये ईसा पूर्व की बात है, लेकिन 1917 में फिलिस्तीन के इसी नक्शे में 91% मुसलमान हो गए हैं और 8% यहूदी रह गए। आज का फिलिस्तीन देखे, लेकिन ईसा पूर्व किंगडम ऑफ जुडा था और जिसके राजा थे किंग सोलोमन, और यहूदी धर्म के लोग इसी क्षेत्र में रहते थे, और फिर समय के साथ इस क्षेत्र की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई, और ऐसी बदली कि आज
फिलिस्तीन पूरी तरह से एक इस्लाम बहुल देश है। और जो कि देखिए अपनी विदेश नीति के चलते आज विश्व पटल पर भारत एक सशक्त राष्ट्र के तौर पर उभर रहा है। और ऐसे में गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से भारत ने इस बार इसराइल का खुलकर समर्थन किया है, पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया, जो ये दिखाता है कि खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक बड़ा बदलाव आगे देखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए ना, 1948 में अरब इसराइल युद्ध हो या फिर 1956 का स्वेज संकट या फिर 1947 में फिलिस्तीन के साथ जंग, भारत ने देखिए किसी का पक्ष कभी नहीं लिया। 2006 में लेबनान युद्ध में भी उसका रुख ऐसा ही रहा भारत का। लेकिन मोदी सरकार में भारत और इसराइल के रिश्तों में इतनी मजबूती आई जिसकी ताकत का नतीजा है जो आज संकट की घड़ी में भारत खुलकर इसराइल के साथ दिख रहा है। बहरहाल इसराइल को लेकर ओशो की भविष्यवाणी से आप लोग कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है आज जो इसराइल के साथ हो रहा है उसको लेकर ओशो ने जो 40 साल पहले जो बातें कही थी, क्या वो सही है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। The attacks in Israel last weekend shocked the world. Over 1,400 people murdered, one by one. Over 3,500 wounded. Almost 200 taken hostage. The elderly, men, women, children, babes in arms, murdered, mutilated, burned alive. We should call it by its name. It was a pogrom. Mr. Speaker, the families of some of the missing are in the public gallery today. We call for the immediate release of all hostages. Amen. And I say to them, we stand with you, we stand with Israel. Amen. The murdered and the missing come from over 30 countries, including the United Kingdom. The terrible nature of these attacks means it is proving difficult to identify many of the deceased. But with a heavy heart, I can inform the House that at least 6 British citizens were killed. A further 10 are missing, some of whom are feared to be among the dead. We are working with Israel to establish the facts as quickly as possible, and we are supporting the families who are suffering unimaginable pain. We are also helping British citizens who want to leave Israel. We've organised 8 flights so far, bringing out over 500 people, with more flights leaving today. We're working with neighbouring countries on land evacuations for our citizens in Gaza and the West Bank. I've spoken specifically to President Sisi about supporting civilians to leave Gaza by the Rafah border crossing, which at present remains closed. And we have a border force team in Egypt working with our embassy to help citizens when they are able to cross. I will come back to the grave humanitarian situation in Gaza in a moment. But first, Mr. Speaker, I want to address the British Jewish community directly. As I said at Finchley United Synagogue last week and at the Jewish school I visited this morning, we stand with you now and always. Amen. This atrocity was an existential strike at the very idea of Israel as a safe homeland for the Jewish people. I understand why it has shaken you to your core, and I am sickened that anti-Semitic incidents have increased since the attack. We are doing everything that we can to protect you. We are providing an additional £3 million for the Community Security Trust to protect schools, synagogues, and other Jewish community buildings.